वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी का हाल, जी हां, फिरोजाबाद नगर निगम की लापरवाही से लोगों के घरों में घुसा पानी। नगर निगम फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 60 मोहल्ला करीमगंज में एक दर्जन से अधिक मकानों में पानी जाने के कारण मकान मालिक अपने मकानों को छोड़कर दूसरे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सर्विस रोड बच्चन हॉस्पिटल के पास काफी लंबे समय से जलभराव की समस्या है। आम दिनों में भी पानी भरा रहता है और बारिश हो जाने के कारण आकाशवाणी रोड से सटे समस्त मोहल्लों, रामगढ़ रोड, कोहिनूर रोड, कश्मीरी गेट रोड और नगला बरी क्षेत्र का पानी मोहल्ला करीमगंज में घुस जाता है, जिससे क्षेत्रीय लोगों के मकानों में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। चारपाई, संदूक, कुर्सियां, बर्तन पानी में तैर रहे हैं। मकानों में दरारें आ गई हैं और दो दो तीन तीन फीट फर्श बैठ गया है। नगर निगम को पिछले 2 वर्षों से लिखित रूप में जलभराव की समस्या से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन झूठे आश्वासन और झूठे वादों के अलावा कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब बारिश के कारण मकानों के गिरने से लोगों की जान और माल का नुकसान होगा। क्षेत्रीय पार्षद पति कौसर अली को समस्या से अवगत कराया तो कहने लगे, आप लोगों ने जिसे वोट दिया था उसी से जाकर अपनी समस्या का समाधान कराओ। देखें ये रिपोर्ट, रिपोर्टर मकबूलुद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, फिरोजाबाद। क्या नाम है आपका और किस तरीके का मामला हुआ है, दीवार कैसे गिरी है? मेरा नाम छोटे खान है, मैं मस्जिद के सामने घर है उसमें रहता हूँ, और जो दीवार जो है गारे की बनी थी, आगे तक गारे की बनी थी, लेकिन आगे इन्होंने सीमेंट की दीवार करके अपनी आगे का हिस्सा सही कर लिया और इधर की दीवार पूरी जर्जर थी। इनसे कई दफ़े शिकायत करी इस बात की कि दीवार जो टेढ़ी हो रही है, गिर जाएगी, कोई हादसा हो जाए, इन्होंने नज़रअंदाज किया। आज ये दीवार गिर गई, उसमें बकरियाँ दब गई हमारी और ठेले टूट गए। कई लोगों के पल्लेदारी करते थे, उससे रोजी रोजगार कमाते थे, वो ठेले टूट गए, 3 टिड़ी एक कुचल गई। और जब उनसे शिकायत करी तो वो उसमें एक चांद हैं जो जिसमें जो मेरी हम चलवाते हैं, तो चांद कह रहा है कि ऐसे हादसे तो होते रहती हैं, तुम लोग काय को यहाँ पे खड़े कर रहे हो, यहाँ पे काय को निकल रहे हो इधर से, जब हम अपने दरवाजे से रोजी रोजगार के लिए जाएंगे, अगर वो मस्जिद का दरवाजा है नमाज पढ़ने जाएंगे जो गिरेगी, तो हम नमाज पढ़ना और घर से कमाने जाना छोड़ दें इस दीवार के चक्कर में। तो वो हमसे कह रहा है कि ऐसे हादसे होते रहते हैं और तुम लोग क्या कर लोगे, जा उसमें जो करना वो कर लो, इस तरीके की धमकी दे। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपकी और ये कौन सा मैरिज होम बोला जाता है? ये मदीना मैरिज होम बोला जाता है, ये इसके कर्ता धर्ता यही है चांद और बाबुद्दीन। तो बाबुद्दीन तो कह रहा है कि हम संभलवाएंगे, सही तुम्हारा जो है तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन चांद उल्टे अल्फाज बोल रहा है और शराब पी के वो बैठा हुआ है, वो सबसे भद्दी बात है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो करीब 1 टिड़ी कुचल गई है और 3 ठेले, 1 साइकिल है और 1 साइकिल है और कम से कम 2 बकरियां घायल हैं, तो ठेले हैं, ठेले तो यहाँ लोग लेटते बैठते भी हैं क्या? हाँ, मेरा भाई और मेरी छोटी बहू जो है लेट हुई थी और बच्चे लेटे हुए थे, वो बस उनके बराबर में आगे दीवार गिरी है, जान हानि से होने से बचे। गर्मी के मारे बाहर सोते हैं, गर्मी इतनी है, अंदर कोई इतना साधन नहीं है, तो मैं सोते थे मैं भी बस उनके बगल में दीवार। पुलिस को सूचना दी है इस बारे में? हाँ, पुलिस को अभी सूचना की है और तहरीर देने अब जा रहे हैं, तहरीर देंगे। एसपी कलेक्शन, शाहजहां मार्केट, जाटवपुरी, चुंगी, फिरोजाबाद। लेडीज, जेंट्स, किड्स वेयर एंड वूलन हॉजरी, आरिफ भाई, एसपी कलेक्शन, AIMIM, जिला सचिव, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7453078794।